अस्सलाम वालेकुम। आइए देखें कि इलेक्ट्रिक बिजली के बिल का हिसाब कैसे लगाया जाता है। एक मुकर्ररा दिन पर आपके घर पर लगाए गए मीटर की रीडिंग ली जाती है। आपकी तसल्ली के लिए ये रीडिंग और मीटर की तस्वीर आपके बिल पर दी जाती हैं। इस रीडिंग से पिछले माह में बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का हिसाब लगाया जाता है और इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की बिना पर आपका बिल कैलकुलेट होता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम सारिफीन के लिए बिजली की कीमतें मुकर्रर की जाती हैं और ये पूरे मुल्क में यकसां हैं। बिजली की कीमतें हर इजाफी 100 यूनिट्स के स्लैब्स की सूरत में मुकर्रर की जाती हैं। जैसे बिजली का इस्तेमाल बढ़ता है तो उसकी कीमतों में भी इजाफा होता है। घरेलू सारिफीन जिन्होंने गुज़िश्ता 6 माह में सिर्फ 200 यूनिट्स तक इस्तेमाल किए हैं, उनकी बिजली की कीमतें मुकर्रर 2 स्लैब्स के रेट से ज़र्ब दी जाती हैं। इन प्रोटेक्टेड कस्टमर को हुकूमत की जानिब से खास रियायत है, लेकिन किसी एक माह में भी बिजली का इस्तेमाल 200 यूनिट से बढ़ेगा तो अनप्रोटेक्टेड वाला इजाफी रेट लागू होगा। अगर आप 320 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो टैरिफ स्केड्यूल के मुताबिक आपको हर यूनिट 39.15 रुपए का पड़ेगा और आपके बिजली के चार्जेस 12,528 रुपए होंगे। या अगर आपके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स 530 हैं तो टैरिफ स्केड्यूल के मुताबिक आपको हर यूनिट 42.78 रुपए का पड़ेगा और आपके बिजली के चार्जेस 22,673.4 रुपए होंगे। ये स्केड्यूल आप तमाम डिस्कोस के इलेक्ट्रिक और नेप्रा की वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और नेप्रा के अलावा कोई और इदारा बिजली की कीमत में किसी किस्म की रद्दबदल नहीं कर सकता। कुछ और ऐसे चार्जेस हैं जो इन्हीं की हिदायत के तहत लागू होते हैं, जैसे कि फिक्स चार्जेस। ये चार्जेस 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर 200 रुपए से 1000 रुपए तक बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के मुताबिक लागू होते हैं। फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट्स, ये बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के मिक्स या उसकी कीमत में तब्दीली के हिसाब से लागू होते हैं। मुकामी ईंधन कम मौसूल होने की सूरत में दरामद शुदा ईंधन यानी RLNG और फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत डॉलर से मुंसलिक होती है और ये रकम बैन लक्वामी ईंधन की कीमत और डॉलर के रेट के हिसाब से तब्दील होती है। इसी तरह क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस भी तमाम डिस्कोस और KE के सारिफीन के बिलों में गवर्नमेंट के फैसले के तहत लगाए जाते हैं। ये दोनों चार्जेस नेप्रा की तस्दीक और कवानीन के मुताबिक बिजली के बिल पर लागू होते हैं। ईंधन की कीमत या लागत कम होने की सूरत में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में सारिफीन को रियायत भी हासिल होती है। मुकर्ररा मुद्दत के लिए हुकूमत पाकिस्तान SRO के तहत एडिशनल सरचार्ज PHL जैसे सरचार्ज लागू कर सकती है। इनकी मालूमात आपके बिल के पीछे मौजूद होती हैं और SRO भी के इलेक्ट्रिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आप अपने बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस हुकूमती इदारों को अदा करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये टैक्स हुकूमत सिंध को अदा किया जाता है और हर बिजली इस्तेमाल करने वाले घर या तिजारत गाह पर लागू है। रिहायशी सारिफीन 1.5% ड्यूटी अदा करते हैं। सेल्स टैक्स, ये टैक्स 1990 एक्ट के तहत बिजली समेत तमाम सामान और खिदमत पर लागू है। मुल्क भर के बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन अपने बिल पर 18% टैक्स अदा करते हैं। इनकम टैक्स, जिन घरेलू सारिफीन का माहाना बिल 25,000 रुपए से ज्यादा होता है वो 7.5% इनकम टैक्स अदा करते हैं। ये इनकम टैक्स वो सारिफीन नहीं अदा करते जो FPR में टैक्स फाइलर्स की हैसियत से रजिस्टर्ड होते हैं और आपकी मालूमात के इलेक्ट्रिक के पास इंदराज कराते हैं। याद रखें, ये तमाम टैक्सेस आपके बिजली के चार्जेस को कुल मिलाकर उन पर लागू होते हैं, यानी कि अगर आपकी बिजली का बिल बढ़ेगा तो टैक्स की अदायगी की रकम भी बढ़ेगी। TV लाइसेंस फी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम सारिफीन पर 35 रुपए TV लाइसेंस फी की मद में लागू होते हैं, जो PTV को अदा किए जाते हैं। इन तमाम चार्जेस को जमा करने से आपके माहाना बिल की रकम हासिल की जा सकती है। आपकी सहूलत के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवालात के जवाब और हुकूमती हिदायत के SROs KE की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अगर इस वीडियो ने बिल समझने में आपकी मदद की तो जरूर आगे भी शेयर करें।